नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। इंडियन आइडल 12 खूब चर्चा बटोर रहा है। हर कोई इसके कंटेस्टेंट्स के टैलेंट की तारीफ कर रहा है। शो में आने वाला हर बॉलीवुड स्टार इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट्स का फैन हो गया है। लेकिन एक कंटेस्टेंट ने सब पर अपना जादू सा कर दिया है और वो है पवनदीप राजन। देखिए हमारी रिपोर्ट में कौन है पवनदीप राजन और कैसे सभी के दिलों पर उन्होंने राज किया हुआ है। चंपावत का बेटा माया नगरी में छाया, अपनी आवाज से जीता सभी का दिल। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी कर चुके हैं तारीफ। यूथ एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड का मिल चुका है खिताब। उत्तराखंड की वादियों से आए पवनदीप राजन ने न सिर्फ अपने गजब के सिंगिंग टैलेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए चर्चा में हैं, बल्कि को कंटेस्टेंट अरुणिता कांजीलाल संग रिलेशनशिप को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है कि पवनदीप और अरुणिता एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों साथ में वक्त भी बिताते हैं। इस मामले पर अब पवनदीप ने सफाई दी है। बता दें अरुणिता बंगाली है और पवनदीप पहाड़ी, लेकिन दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री फैंस को खूब भाती है। पिछले काफी वक्त से उनकी दोस्ती और रिश्ता चर्चा का विषय बना हुआ था। ऐसे भी दावे किए गए कि अरुणिता की वजह से पवनदीप राजन अपने परफॉर्मेंस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पवनदीप ने इससे इनकार कर दिया। कौन है पवनदीप राजन? पवनदीप राजन के गाने की तारीफ वीरेंद्र सहवाग से लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी की थी। पवनदीप को म्यूजिक विरासत में मिला है। उन्हें उनके पिता सुरेश राजन और ताऊ सतीश राजन ने बचपन से ही म्यूजिक सिखाया। दादा स्वर्गीय रति राजन भी अपने समय के प्रसिद्ध लोक गायक थे। पवनदीप ने साल 2015 में रियलिटी शो वॉइस इंडिया सीजन 1 भी जीता था। वो म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और कई मराठी फिल्मों में म्यूजिक भी दे चुके हैं। कई पहाड़ी फिल्मों में भी वो म्यूजिक दे चुके हैं। मात्र 24 साल की उम्र में ही पवनदीप राजन को ऐसी बड़ी उपलब्धियों के कारण उत्तराखंड सरकार ने यूथ एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड के खिताब से भी सम्मानित किया था। इतना ही नहीं, इंडियन आइडल 12 में आने वाला हर एक मेहमान पवनदीप राजन का दीवाना बन जाता है, फिर चाहे वो रेखा हो या फिर नीतू कपूर। पवनदीप की आवाज के जादू से कोई नहीं बच पाता। पवनदीप की गायकी ने शो पर बतौर गेस्ट जस्ट पहुंचे सभी दिग्गजों का दिल जीता है। हर कोई हैरान है कि इतनी छोटी सी उम्र में पहाड़ का ये बच्चा कैसे परिपक्व होकर अपना काम कर रहा है। जज हिमेश रेशमिया ने तो उन्हें गानों का ऑफर भी दिया है। वहीं नेहा कक्कड़ उन्हें भारत का पहला रॉक स्टार बोल चुकी हैं। विशाल ददलानी उन्हें भारतीय संगीत इंडस्ट्री को एक तोहफा करार कर चुके हैं। पवनदीप की खास बात ये है कि वो ढोलक गिटार पियानो से लेकर सभी प्ले करते हैं और उसके बाद उसे अपनी आवाज भी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।